जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ओ लेवल M1 R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस की यह क्लास हर रात 9 बजे होगी। तो जिनका भी ओ लेवल का एग्जाम है वो हर रात 9 बजे तैयार रहेंगे ओ लेवल M1 R5 की क्लास को अटेंड करने के लिए। दोस्तों, ओ लेवल M1 R5 का सेकेंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज की इस क्लास में आप पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स के बारे में, जहां पर माउस का उपयोग करना और उसकी सेटिंग्स को बदलना, पॉइंटर, सिस्टम की डेट एंड टाइम को चेंज करना, डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज को चेंज करना, किसी भी प्रोग्राम या किसी भी फीचर्स को ऐड करना और रिमूव करना, इसके अलावा प्रिंटर्स को ऐड करना और रिमूव करना। प्रैक्टिकल के पर्पज से भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और उन्हें इनसे संबंधित जो भी सेटिंग्स जाननी है, काफ़ी नई नई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय शर्मा, कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपके इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई वीडियोस, साथ ही साथ CCC ओ लेवल की टॉप लेवल की क्लासेस। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सामने सबसे वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी सेटिंग्स हैं, अधिकतर हमें कंट्रोल पैनल में ही मिलती हैं। कंट्रोल पैनल में आप देखेंगे तो वहां पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी प्रकार की सेटिंग्स मिल जाती हैं। कंट्रोल पैनल हमें कहाँ पे मिलता है यह भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप स्टार बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आपको दिया गया है। कंट्रोल पैनल पर आप क्लिक कर देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर बहुत सारे आइकन्स आपको देख सकते हैं, जहां पर ऊपर लिखा गया है एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग, मीन्स कंप्यूटर की सेटिंग करने के लिए आप इन सभी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे साउंड की सेटिंग के लिए ऑप्शन दिया गया है, पावर के लिए, फोन एंड मॉडेम के लिए, माउस की सेटिंग, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, नोटिफिकेशन एरिया आइकन्स, है ना, ऐसे ही मेल, लोकेशन, कीबोर्ड, मीन्स जो भी कंप्यूटर से संबंधित सेटिंग्स हैं, सारी सेटिंग्स यहां से आप चेंज कर सकते हो, या आपको सेटिंग्स देखनी है तो यहां से आप ओपन करके देख सकते हो। अब यहां पर देखते हैं कि हमारे सिलेबस में सबसे पहले क्या दिया गया है। सबसे पहले यहां पर दिया गया है माउस का उपयोग करना और उसकी सेटिंग को बदलना। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, आप सभी जानते हैं। माउस के बारे में काफी एक्सप्लेन करके मैंने आपको समझाया था जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ाया था, तो वहां पर आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत माउस को काफी एक्सप्लेन करके आपको समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर आप प्रीवियस क्लासेस को अटेंड करिए। प्रीवियस क्लासेस की लिंक आपको वीडियो के नीचे दी गई है, वहां आप जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो सभी टॉपिक्स। तो माउस की सेटिंग में हमें जो भी चेंजिंग करनी है उसके लिए कंट्रोल पैनल का उपयोग करना होता है, तो उसको मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको समझा देते हैं थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट जो एग्जाम में काफी पूछा आता है। दो क्वेश्चंस एग्जाम में काफी पूछे आते हैं कि माउस में कितनी बटन होती हैं, कौन कौन सी बटन होती है। तो माउस में आप मुख्य रूप से देखें तो दो बटन होती है, एक लेफ्ट बटन और दूसरी सेकेंडरी बटन। इसके अलावा जो मिडिल में बटन होती है, जिसे हम स्क्रॉल बटन भी कहते हैं या सेंटर बटन भी कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी बटन हो गई आपकी, एक हो गई आपकी लेफ्ट बटन और दूसरी हो गई आपकी राइट बटन। अब क्वेश्चन ये पूछाता है कि माउस की प्राइमरी बटन कौन सी है। तो प्राइमरी बटन कौन सी है, जो लेफ्ट बटन है वह आपकी प्राइमरी बटन है और जो राइट बटन है वह आपकी सेकेंडरी बटन कहलाती है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप वीडियो देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट करते रहिए, ताकि एग्जाम टाइम पर रिवीजन करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो।
तो यहां पर प्राइमरी आपकी लेफ्ट और सेकेंडरी आपकी राइट हो गई। एक क्वेश्चन ये पूछा था है कि क्या प्राइमरी बटन को हम सेकेंडरी बना सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल सही है, हम प्राइमरी को सेकेंडरी और सेकेंडरी को प्राइमरी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं अभी मैं विद प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा। इसके बाद अगर आपकी जो क्लिक की स्पीड है उसको आपको बढ़ाना है तो वह भी आप आसानी से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, तो आइए आपको ले चलते हैं माउस की सेटिंग पर। दोस्तों माउस की सेटिंग में बदलाव करने के लिए आपको स्टार बटन पर क्लिक करके जाना है कंट्रोल पैनल पर। कंट्रोल पैनल पर क्लिक करने के बाद आपको सामने ऐसा आइकन मिल जाएगा, ऐसी विंडो आपके सामने आ जाएगी जहां पर ऊपर ही लिखा गया है एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग। कंप्यूटर की सारी सेटिंग्स आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो, उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अभी यहां पर हमें पढ़ना है माउस के बारे में। अगर आइकन्स को आपको बड़ा छोटा जैसे भी करना है यहां से आप कर सकते हो। स्मॉल आइकन पर आप क्लिक कर देंगे तो सारे आइकन्स आपको छोटे दिखाई लगने हैं, और लार्ज पर आप क्लिक करेंगे तो सारे आइकन्स आपको बड़े दिखाई देंगे। यहां पर हम माउस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने ऑप्शन आ गया है माउस प्रॉपर्टीज का, जहां पर बटन्स, पॉइंटर्स, पॉइंटर ऑप्शंस, व्हील, हार्डवेयर और ईलैंक का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे बटन के बारे में। प्रैक्टिकल के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पर दिया गया है पहला ऑप्शन बटन कॉन्फिगरेशन का, जहां पर लिखा गया है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। अभी यहां पर देखिए अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो अब क्या हो गया, लेफ्ट बटन हमारी राइट का काम करेगी और राइट बटन हमारी लेफ्ट का काम करेगी। अब इस पर मान लीजिए मुझे क्लिक करना है, मैं कितनी भी बार लेफ्ट का यूज करूंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा, लेकिन यह क्लिक नहीं होगा। कब होगा, राइट जब इस पर क्लिक करेंगे तो यह क्लिक हटेगा, अब फिर से राइट क्लिक करेंगे तो ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब लेफ्ट अपना काम करने लगी और राइट अपना काम करने लगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें जो डबल क्लिक की स्पीड है उसको कम या ज्यादा करना है तो यहां से आप कर सकते हैं। अगर आप स्लो कर देंगे तो डबल क्लिक की जो स्पीड है वो आपकी स्लो हो जाएगी, और फास्ट कर देंगे तो जितनी ज्यादा तेज आप, जितनी जल्दी आप क्लिक करेंगे उतनी जल्दी वो डबल क्लिक माना जाएगा, नहीं तो वह सिंगल क्लिक ही माना जाएगा। तो यहां से आप डबल क्लिक की स्पीड को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है यहां पर पॉइंटर की। बहुत सारे लोग अपने पॉइंटर का आइकन चेंज करना चाहते हैं, ये बहुत सारे आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में देखते हैं कि उनका पॉइंटर कुछ ऐसे आपको दिखाई देता है। ठीक है, जैसे यहां पर बाइनेम अगर आप याद करना चाहें तो यह नॉर्मल सेलेक्ट का आइकन है, या इससे संबंधित क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपको आइकन दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा यह कौन सा आइकन है। तो बिजी का कौन सा है, ये आइकन बिजी का है। ऐसे यहां पर टेक्स्ट सेलेक्ट का ये है आपका, हैंड राइटिंग का ये है, अनअवेलेबल का यहां पे आप देख सकते हैं, ऐसे ही वर्टिकल रिसाइज, हॉरिजेंटल रिसाइज, है ना, बहुत सारे आइकन्स मूव करने के लिए ये दिया गया है, लिंक सेलेक्ट के लिए ये आइकन। तो जैसा भी आइकन आप चाहते हैं उस आइकन को यहां से सेलेक्ट करके आपको नीचे अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, अप्लाई पे आप क्लिक कर देंगे तो यह आइकन आपका वर्क करने लगेगा। ठीक है, अगर आप पॉइंटर की शैडो चाहते हैं तो यहां पर दिया गया है इनेबल पॉइंटर शैडो, तो पॉइंटर की शैडो भी आपको दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद यहां पर दिया गया है पॉइंटर का ऑप्शन। ठीक है, जितना आप चाहते हैं पॉइंटर की स्पीड को बढ़ाना और घटाना, तो यहां से फास्ट और स्लो आप क्लिक कर सकते हैं। फिर दिया गया है डिस्प्ले पॉइंटर ट्रायल्स, है ना, डिस्प्ले पॉइंटर ट्रायल पे कर देंगे तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारी शैडो बनी है, वैसे ही आपको यहां पर शैडो आपको इसकी दिखाई देगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जब आप टाइपिंग करते रहें तब आपका पॉइंटर आपको ना दिखाई दे, तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग, मीन्स जब हम टाइपिंग करें तो हमारा पॉइंटर ना दिखाई दे। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि माउस की जो आपकी क्लिक की लोकेशन है वो कंट्रोल प्रेस करने पर आपको दिखाई दे, है ना, देखिए जैसे अभी हम कंट्रोल प्रेस करते हैं तो यहां पर देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है ना, लेकिन चाहते हैं ना दिखाई दे तो सो लोकेशन पे क्लिक हटा देना है। अब देखिए कंट्रोल हम प्रेस करेंगे तो हमें इसकी लोकेशन नहीं शो कराएगा। फिर से चाहते हैं दिखाई दे तो यहां पर देखिए
अभी मैं यहाँ कर्सर ले जा रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए ये उसकी लोकेशन को बता रहा है। नेक्स्ट है व्हील का ऑप्शन। अगर आप व्हील जैसे कि आप स्क्रॉल करते हैं तो उतने पेजेस आपके ऊपर या नीचे जाते हैं या उतनी लाइनें ऊपर नीचे जाती हैं। तो अगर आप यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रॉल कर दिया, मान लीजिए मैंने की 10 लाइन कर दी, तो हम स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर देखिए, तो एक बार में देखिए इतना पूरा स्क्रॉल हो गया है ना। या फिर यहाँ पर दिखाते हैं आपको, जैसे ये है, यहाँ से जूम हटा देते हैं, स्क्रॉल करते हैं, देखिए एक बार में इतनी लाइनें ऊपर नीचे हो रही हैं। आप चाहें तो यहाँ से इसे कम भी कर सकते हैं, कम कर देंगे तो कम लाइनें एक बार में स्क्रॉल होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बात आती है हार्डवेयर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपका टच पैड है और दूसरा अलग से माउस इस पे और लगाया गया है ना। अगर आप चाहें अपडेट करना तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप ड्राइवर को अपडेट भी कर सकते हैं, या इसे बंद करना है तो यहाँ से डिसेबल भी आप कर सकते हैं। डिसेबल कर देंगे तो आपकी जो USB के द्वारा कनेक्ट है वो कनेक्ट नहीं होगी और वर्क आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम ओके कर देते हैं। अगर आपको सेटिंग्स चलानी है तो ओके करिए, नहीं तो यहाँ पे आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये थी आपकी माउस से संबंधित सेटिंग्स। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं सिस्टम की डेट और टाइम चेंज करना। अगर आप अपने सिस्टम की दिनांक और समय को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टास्क बार में नोटिफिकेशन एरिया पर जाना है। यह आपका नोटिफिकेशन एरिया है, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ऑप्शन दिया गया है चेंज डेट एंड टाइम का। चेंज डेट एंड टाइम पर हम क्लिक कर देंगे तो यहां पर दिया गया है चेंज डेट एंड टाइम, चेंज टाइम जोन, इसके अलावा यहां पर एडिशनल क्लॉक ऑप्शन दिया गया है, इंटरनेट टाइम दिया गया है, यहां से भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहां पर चेंजिंग करनी है तो चेंज डेट एंड टाइम पे गए, यहां से हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड पूछ रहा है, हमें पासवर्ड डालना है और एंटर कर देना है। अब यहां पर मान लीजिए हमें डेट को चेंज करना है, यहां पर हमें 30 करना है तो हमने 30 कर दिया। टाइम चेंज करना है तो यहां से आप टाइम भी चेंज कर सकते हो, अगर अप्लाई कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो यहां पर डेट और टाइम हमारी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है यहां पर चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, है ना। डिस्प्ले से संबंधित हमें सेटिंग चेंज करनी है तो उसके लिए क्या करना है, हमें जाना है डेस्कटॉप पर। यहां पर दिया है आपका स्क्रीन रिजोल्यूशन, गैजेट्स और पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन। जब आप विंडो 10 का उपयोग करेंगे तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। अब यहां पर चाहें तो मोबाइल PC डिस्प्ले आप कर सकते हैं, इसका रिजोल्यूशन कम ज्यादा करना है तो रिजोल्यूशन यहां से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ओरिएंटेशन आपको पोर्ट्रेट लैंडस्केप करना है तो यह आप यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर मैंने जो बताया था आपको कंट्रोल पैनल पे आप जाएंगे तो यहां पर भी आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा। डिस्प्ले के द्वारा आप डिस्प्ले से संबंधित सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमें आइकन्स को बड़ा और छोटा करना है, मीडियम कर देंगे तो बड़े साइज में दिखाई देगा और स्मॉलर रखेंगे तो छोटे साइज में हमें दिखाई देगा। ऐसे ही ब्राइटनेस को हमें घटाना है, बढ़ाना है, ये सारे काम करने हैं तो यहां से हम वो काम भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद बात आती है टू ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर्स। अगर हमें किसी भी प्रोग्राम या किसी भी फीचर्स को ऐड करना है या हटाना है तो उसके लिए भी हम कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम अपने उपयोग के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज 98 में ऐड रिमूव प्रोग्राम के रूप से यह ऑप्शन था, विंडोज विस्टा और विंडोज 7 में प्रोग्राम और फीचर्स के नाम से, जबकि विंडोज 10 में इसे प्रोग्राम और फीचर का नाम दिया गया है। कहां मिलेगा, देखिए यह है आपका कंट्रोल पैनल, ठीक है। बैक कर लेते हैं तो कंट्रोल पैनल में आप यहां पर नीचे देखेंगे तो प्रोग्राम एंड फीचर का ऑप्शन दिया गया है। तो यहां पर आपके सिस्टम में जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल है आपको दिखाई देंगे, आपको जिसको भी हटाना है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहां अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिया गया है, उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से आप कोई भी प्रोग्राम हटा सकते हैं या फिर उसे ऐड कर सकते हैं।
और यहां पर लास्ट पॉइंट है हमारा एडिंग रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर्स, प्रिंटर को ऐड करना, रिमूव करना या फिर नेटवर्क के जरिए या यूएसबी के जरिए उन्हें शेयर करना। तो कंट्रोल पैनल की सहायता से ही हम प्रिंटर से संबंधित सभी सेटिंग्स को बदल सकते हैं। कोई नया प्रिंटर हमें ऐड करना है तो उसे भी हम ऐड कर सकते हैं, किसी प्रिंटर को हटाना है तो उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, या अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी चेंजिंग हमें करनी है वो हम कर सकते हैं। कैसे करना है आइए कंट्रोल पैनल में आपको दिखाते हैं, या इसके लिए अलग से भी ऑप्शन दिया गया है डिवाइस एंड प्रिंटर्स का। तो डिवाइस एंड प्रिंटर्स पे हम क्लिक कर देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमें कहां मिलेगा, डिवाइस एंड प्रिंटर हार्डवेयर एंड साउंड के अंतर्गत। अब जो भी प्रिंटर कनेक्ट होगा उससे संबंधित सेटिंग्स आपको यहां पर मिल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए इप्सन का प्रिंटर है, इससे संबंधित सेटिंग्स आपको करनी है, आपको स्कैन करना है, इसे डिफॉल्ट के रूप में सेट करना है तो इसे हमने बाय डिफॉल्ट के रूप में सेट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर कितने डॉक्यूमेंट्स अभी पेंडिंग में है यहां पे आपको दिखाई देगा। प्रिंटर अगर प्रेजेंट टाइम पे कनेक्ट है तो यहां ऑनलाइन दिखाई देगा, नहीं तो ऑफलाइन दिखाई देगा। पेपर की जो सेटिंग है वो यहां पर दिखाई देगी कि प्रेजेंट टाइम पर लेटर और पोर्ट्रेट में है। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहां से चेंजिंग कर सकते हैं, आप इसे A4 में लगा सकते हैं, पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए तो यहां से आप कर सकते हैं, आपको कलर में निकालना है या ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट चाहिए तो वो भी चेंजिंग आप यहां से कर सकते हैं। जो भी फीचर्स यहां पर आपको दिख रहे हैं यह फीचर्स आपके प्रिंटर से संबंधित हैं। मीन्स अगर प्रिंटर आपका सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होगा तो वहां पर कलर का ऑप्शन नहीं देगा, मीन्स अकॉर्डिंग टू प्रिंटर ऑप्शंस आपको वहां पर मिलते हैं, ठीक है। तो कलर में हमें चाहिए, हमने कलर कर दिया। अगर टू साइडेड प्रिंटिंग आपको चाहिए तो यहां से आप टू साइडेड प्रिंटिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैनुअल में चाहिए या फिर आपको शॉर्ट में चाहिए तो शॉर्ट में कर लीजिए, लॉन्ग में चाहिए तो लॉन्ग में भी आप कर सकते हैं। एक पेज की मान लीजिए मुझे 10 कॉपी निकालना है तो कॉपीज में यहां पर हम 10 लिख देंगे तो एक पेज की 10 कॉपी ऑटोमेटिक प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। या फिर मोर ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, यहां पर आपको सेटिंग्स चेंज करनी है, आपको हाई स्पीड में चाहिए, नॉर्मल में चाहिए कर सकते हैं, कोई वाटर मार्क आपको ऐड करना है कि जितने भी प्रिंट आए उसमें वाटर मार्क आता रहे, आपका लोगो आता रहे या आपकी शॉप का नेम आता रहे, आपके कॉलेज का नेम आता रहे, तो यहां पर वाटरमार्क का फीचर भी दिया गया है, इसके द्वारा आप वाटरमार्क भी ऐड कर सकते हैं। या फिर यहां पर मेंटेनेंस का ऑप्शन दिया गया है, आपको नोजल चेक करना है कि हमारे नोजल्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको अपने प्रिंटर का हेड क्लीन करना है तो यहां से प्रिंटर का हेड भी क्लीन कर सकते हैं, प्रिंटर का इंक लेवल हमें देखना है तो वह भी आप देख सकते हैं। मीन्स जो भी सेटिंग आपको करनी है कर सकते हैं। अगर प्रिंटर का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन भी दिया गया है, यहां से सॉफ्टवेयर भी अपडेट आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर स्कैनर से संबंधित कोई सेटिंग करनी है तो यहां पर स्कैनर मैनेजमेंट का ऑप्शन दिया गया है, यहां पर इप्सन स्कैन सेटिंग दी गई है, आप जैसे चाहें यहां पर सेटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे इसे हटाना है तो यहां पर देखिए इसे सेलेक्ट करेंगे और रिमूव डिवाइस का ऑप्शन ऊपर दिया गया है, यहां से डिवाइस को रिमूव भी कर सकते हैं। कोई डिवाइस हमें ऐड करनी है तो ऐड डिवाइस का ऑप्शन दिया गया है, यहां से कोई भी वायरलेस या फिर कोई वायर से संबंधित है उस डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। कोई प्रिंटर ऐड करना है तो ऐड प्रिंटर का ऑप्शन दिया गया है, यहां से हम कोई भी प्रिंटर ऐड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको यह देखना है कि प्रिंटर के द्वारा क्या प्रिंट हो रहा है तो सी वॉट्स प्रिंटिंग पे आप क्लिक कर देंगे और यहां से आप देख सकते हैं। आपको डिफॉल्ट प्रिंटर मैनेज करना है कि प्रेजेंट टाइम पे जो प्रिंटर डिफॉल्ट में लगा हुआ है आपको चेंज करना है तो मैनेज डिफॉल्ट प्रिंटर पे आप क्लिक कर देंगे तो यहां से आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम पर देखिए नेटवर्क में दिखाई दे रहा है कि वीवो 1603 यहां पर कनेक्ट है और प्रिंटर कौन सा बाय डिफॉल्ट इप्सन L565 है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने का नॉर्मल सा तरीका यह भी है कि जो भी प्रिंटर आप डिफॉल्ट पर लगाना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करिए और सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर पर क्लिक कर देंगे तो वह प्रिंटर आपके डिफॉल्ट में लग जाएगा, ठीक है। तो यह है प्रिंटर से संबंधित सेटिंग। तो ये था आज का लास्ट टॉपिक। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा।
इसके अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी आप अभय अक्सर कंप्यूटर सर्च करके हमें फॉलो करिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप हमसे पूछिए, उसका सलूशन आपको जरूर मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कल की क्लास की। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम बात करेंगे फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट के बारे में, फाइल एक्सटेंशन के बारे में और टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन के बारे में। ठीक है, कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में फाइल एक्सटेंशन बहुत सारे पूछे आते हैं कि नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन क्या है, एमएस वर्ड का क्या है, या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन या फाइल विस्तारक क्या होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जहां पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित नए नए वीडियोस आपको पर डे मिलते रहते हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, ताकि आपके सुझाव के अकॉर्डिंग मैं अपनी क्लासेस ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराता रहूं। आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है नए नए वीडियोस को अपलोड करने के लिए। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।